नमस्कार मित्रों, आरके एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। सीईटी के विषय में मैंने कल आपको विस्तृत रूप से समझा दिया था, उससे वीडियो को यदि आपने अभी नहीं देखा है तो अपने चैनल पर जाकर के उसे जरूर सुने, वो बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। अब आगे की क्लास में अपने महाराणा प्रताप कल अपने शुरू कर दिया था और कल आपको बताया गया था कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए चार शिष्टमंडल अकबर भेजा था, लेकिन चारों शिष्टमंडल विफल हो गए थे। तो उसके बाद महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की अकबर क्या बनाया था, योजना बनाया था। अकबर जो योजना बनाया था, अकबर प्रताप को बंदी बनाने की क्या बनाया, योजना। और जो ये योजना बनाया था वो मैग्नीज दुर्ग में बनाया, मैग्नीज दुर्ग में बनाया था। इसी मैग्नीज दुर्ग को दौलताबाद का दुर्ग कहते हैं, दौलताबाद, दौलताबाद का दुर्ग कहते हैं। इसी को शास्त्रागार दुर्ग कहा जाता है और इसी दुर्ग को अकबर का किला भी कहते हैं, अकबर का किला। और मैग्नीज दुर्ग है जो कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। और मैग्नीज जो दुर्ग है वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम स्थापत्य कला के आधार पर बना हुआ दुर्ग है। तो यहाँ लिखते हैं कि मैग्नीज दुर्ग राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम स्थापत्य कला से बना दुर्ग है। देखो, अकबर प्रताप को समझाने के लिए जो चार शिष्टमंडल भेजा वो विफल हो गए, तो उसके बाद में अकबर प्रताप को बंदी बनाने की क्या बनाया, योजना बनाया। ये योजना कौन से दुर्ग में बनाई गई थी, मैग्नीज दुर्ग में बनाई गई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीज दुर्ग कहाँ स्थित है, तो उसका उत्तर होगा अजमेर। मैग्नीज दुर्ग बनवाया किसने था, अकबर ने बनवाया था। इसी मैग्नीज दुर्ग को दौलताबाद का दुर्ग भी कहते हैं, इसी दुर्ग को शास्त्रागार दुर्ग भी कहा जाता है, और मैग्नीज दुर्ग को ही अकबर का किला भी कहते हैं। ये सारे नाम इसी मैग्नीज दुर्ग के हैं और ये कहाँ स्थित है, अजमेर में। राजस्थान के सभी दुर्ग हिंदू स्थापत्य कला के आधार पर बने हुए हैं, लेकिन ये मैग्नीज जो दुर्ग है वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम स्थापत्य कला के आधार पर बना हुआ दुर्ग है। तो मैग्नीज दुर्ग के ये सब बातें याद रखनी है आपको कि मैग्नीज दुर्ग कहाँ है, सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है, और राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम स्थापत्य कला के आधार पर बना दुर्ग कौन सा है। यहाँ अकबर प्रताप को बंदी बनाने की जो योजना बनाया था, उस योजना के दो सेनापति थे। एक सेनापति का नाम था मानसिंह, एक का नाम क्या था, मानसिंह फर्स्ट था जो आमेर का राजा था, और दूसरा जो सेनापति बनाया गया था उसका नाम था आसफ खां, आसफ खां। समझ गए बात, यानी प्रताप को बंदी बनाने की जो पूरी योजना अकबर ने बनाई थी उस योजना के दो सेनापति बनाए गए थे। एक मानसिंह फर्स्ट जो कछुआ है वंश का, आमेर का शासक था उस समय, और एक आसफ खां था। इन दोनों को प्रताप को बंदी बनाने का क्या दिया था, आदेश। तो अकबर की तरफ से प्रताप के साथ युद्ध लड़ने के लिए अब कौन जाएंगे, मानसिंह और आसफ खां जाएंगे। यानी मेवाड़ की तरफ से तो प्रताप खुद लड़ने के लिए आने वाला है और अकबर की तरफ से जाएगा मानसिंह लड़ने के लिए। तो ये देखिए, अकबर प्रताप को बंदी बनाने की क्या बनाया, योजना बनाया। वो योजना कौन से दुर्ग में बनाई गई थी, मैग्नीज दुर्ग में। मैग्नीज दुर्ग को दौलताबाद का दुर्ग और शास्त्रागार का दुर्ग कहा जाता है। इसी दुर्ग को
अकबर का किला भी कहते हैं। ये कहां स्थित है? अजमेर में। और ये मैग्नीज दुर्ग राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम स्थापत्य कला के आधार पर बना हुआ दुर्ग माना जाता है। अकबर प्रताप को बंदी बनाने की जो योजना बनाया था, उसके दो प्रधान सेनापति बनाए गए थे अकबर के द्वारा, जिसमें एक का नाम मानसिंह फर्स्ट जो आमेर का राजा था और दूसरे का नाम आसफ खां था। अब देखो, जब सेना लेकर के ये लोग गए थे तो ध्यान रखना, ये मानसिंह है जो अकबर की ओर से गया, कौन है ये मानसिंह फर्स्ट है जो किसकी तरफ से गया था, अकबर की ओर से लड़ने के लिए गया था, और इधर से आया था कौन प्रताप, ये हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो ध्यान रखना 18 जून और 21 जून दोनों ऑथेंटिक डेट मानी जाती है। ये तो माना जाता है 18 जून तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, और 21 जून माना जाता है हिंदी साहित्य अकादमी के अनुसार, साहित्य अकादमी के अनुसार। और ये लड़ा कब गया था? 1576 में। 18 जून भी सही डेट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के अनुसार। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया। हिंदी साहित्य अकादमी की किताबों के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया था, दोनों सही है। अब मानसिंह अकबर की तरफ से लड़ने के लिए आ गया, इधर से आ गया कौन? महाराणा प्रताप। तो मानसिंह ध्यान रखना हाथी पर बैठ कर आया था, किस पर बैठ कर आया था? हाथी पर। और मानसिंह के हाथी का नाम जो था वो मरदाना था। क्या नाम था? मरदाना। ये परीक्षा में पूछता है, ध्यान रखना इस बात का कि मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मरदाना था। महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम राम प्रसाद था। क्या नाम था? राम प्रसाद। इस महाराणा प्रताप के पास ध्यान रखना चार हाथी थे। कितने हाथी थे? चार हाथी, जिनमें महत्वपूर्ण हाथी का नाम था राम प्रसाद, और इसका जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। घोड़े का नाम क्या था? इसके पास एक घोड़ा था जिसका नाम क्या रखा गया? चेतक। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप चेतक पर बैठ करके गया था, और ध्यान रखना मानसिंह हाथी पर बैठ कर आया था, और हाथी का नाम क्या था? मरदाना था। मानसिंह को जब प्रताप दूर से ही दिखाई दिया तो प्रताप ने ध्यान रखना अपना क्या चला दिया? भाला चला दिया। क्या चला दिया? भाला चलाया। अब भाले को अपनी ओर आते हुए कौन देख लिया? मानसिंह। तो मानसिंह किस पर बैठा था? हाथी पर। हाथी के ऊपर भी छतरी लगी हुई थी, तो मानसिंह भाले को अपने आप ओर आते हुए देखा तो वो मानसिंह छतरी के थोड़ा सा क्या हो गया? झुक गया। तो भाला अपनी गति से आगे निकल गया। अब झुकते ही मानसिंह क्या हो गया? बच गया। इस भाले में ध्यान रखना 80 किलो वजन था। कितना वजन था? 80 किलो। महाराणा प्रताप का जो भाला था उसका वजन कितना था? 2 मन था। 2 मन का मतलब क्या होता है? 80 किलो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको ये सारी याद रखनी है, ध्यान रखना कि मानसिंह अकबर की ओर से लड़ने के लिए हल्दी घाटी में गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, और इस हाथी का नाम मानसिंह का मरदाना था। महाराणा प्रताप के पास जो भाला था उसका वजन 80 किलो था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप के पास राम प्रसाद के अलावा 3 और भी हाथी थे, और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। लेकिन इस हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक क्या हो गया था? घायल हो गया था। जब चेतक घायल हुआ तो उसके बाद में महाराणा जो प्रताप था मेवाड़ का शासक, वो खुद भी इस हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हो चुका था? घायल हो चुका था। तो महाराणा प्रताप जब घायल हुआ तो इस प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के 2 सेनापति थे। 2 क्या थे? सेनापति थे, जिसमें एक सेनापति का नाम था हाकिम खां सूरी।
अब देखो हाकिम का सूरी का भी परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि हाकिम का सूरी एकमात्र ऐसा मुस्लिम सेनापति था जो किसी हिंदू राजा का सेनापति रहा, इसके अलावा किसी भी हिंदू राजा के पास मुस्लिम सेनापति नहीं था। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम का सूरी था जो लड़ता हुआ मारा गया था, लड़ता हुआ क्या हो गया था, मारा गया था, इसलिए हाकिम का सूरी का क्या बनाया गया था, मकबरा बनाया गया। और इसका मकबरा कहाँ स्थित है, खमनोर में स्थित है। और खमनोर कहाँ स्थित है, राजसमंद में स्थित है। खमनोर कहाँ स्थित है, राजसमंद में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हाकिम का सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो उसका उत्तर क्या होगा, खमनोर। और खमनोर कहाँ स्थित है, राजसमंद में। ये एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जो किसी हिंदू राजा का सेनापति रहा था। इसके बाद इसका जो दूसरा सेनापति था उसका नाम था झाला बीदा। क्या नाम था, झाला बीदा। इसका प्रताप का दूसरा सेनापति झाला बीदा था। पहला सेनापति हाकिम का सूरी लड़ता हुआ मारा गया था, उसके बाद में झाला बीदा बचा। और चेतक का पैर जब हाथी के जाल में फंस गया था तो वो चेतक भी घायल हो गया था और प्रताप भी घायल हो गया था। तो और सेनापति एक मर चुका है, एक बचा है इसका सेनापति। तो झाला बीदा ने सोचा कि युद्ध चाहे कोई भी जीते और चाहे कोई भी हारे, लेकिन मेरे को महाराणा प्रताप के प्राणों की क्या करनी है, रक्षा करनी है। ये बात किसने सोची थी, झाला बीदा ने। तो झाला बीदा बैठा बैठा विचार कर रहा था युद्ध क्षेत्र में कि मैं प्रताप के प्राणों की रक्षा कैसे करूं। जैसे ये विचार कर रहा था तो इसके दिमाग में एक विचार आ गया कि ये पूरी जो मुगल सेना है इस महाराणा प्रताप को शकल से नहीं जानती है, यानी बाई फेस सभी सैनिक नहीं जानते हैं कि ये प्रताप है। इसको जानता केवल कौन है, मान सिंह जानता है। तो इसने सोचा कि मुगल सेना इसकी पहचान कैसे कर रही है, तो राज मुकुट से ही इसको पहचान रही है मुगल सेना। तो इसने सोचा कि यदि राज मुकुट को मैं खुद धारण कर लूंगा तो शायद मुगल सेना मेरे को ही क्या समझ बैठेगी, प्रताप। तो जैसे ही ये विचार आया तो ये झाला बीदा जिसके पास पहुंचा, महाराणा प्रताप के पास पहुंच गया। कहां पहुंच गया, महाराणा प्रताप के पास। महाराणा प्रताप के पास पहुंच करके महाराणा प्रताप के राज मुकुट को उसके सिर से उतार करके खुद के सिर पर धारण कर लिया। और फिर उस प्रताप को ये झाला बीदा हल्दीघाटी के युद्ध क्षेत्र से बाहर कर दिया। इसको कह दिया कि आप हल्दीघाटी छोड़ करके चले जाओ। तो ऐसा करने के बाद मुगल सेना इस झाला बीदा को क्या समझ बैठी, महाराणा प्रताप समझ बैठी। और महाराणा प्रताप समझ करके झाला बीदा की हत्या कर दी गई थी, यानी मुगल सेना झाला बीदा को ही प्रताप समझी और प्रताप समझ करके इसको मुगल सेना मार दी। जब युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ ये सूचना फैल गई, अफवाह फैल गई कि महाराणा प्रताप मारा गया है, तो ये मानसिंह था जो आकर के देखा जिसको कि प्रताप मर गया वास्तव में। तो जब झाला बीदा के पास आकर के देखा तो मानसिंह ने मुगल सेना को ये बताया था कि ये प्रताप नहीं है, ये प्रताप का सेनापति है। जब मुगल सेना को मालूम चला कि प्रताप अभी भी क्या है, जिंदा है। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप के कितने सेनापति थे, दो। हाकिम का सूरी जो लड़ता हुआ मारा गया था, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इसका मकबरा कहाँ है, तो खमनोर में है। और खमनोर कहाँ स्थित है, राजसमंद में। दूसरा सेनापति झाला बीदा था, इसका भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना, कि महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा किसने की थी, तो किसने की थी, झाला बीदा ने। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा किसके द्वारा की गई थी, झाला बीदा के द्वारा की गई थी, जो मैंने आपको पूरा सुना दिया है किस प्रकार से की। उसके बाद में हल्दीघाटी युद्ध का अनेक कथन है जो परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। ये मान लो हल्दीघाटी का युद्ध है और इस हल्दीघाटी युद्ध के बारे में क्या क्या कहा जाता है। हल्दीघाटी युद्ध को
सजीव वर्णन, हल्दीघाटी युद्ध का कैसा वर्णन, सजीव वर्णन जो करने वाला लेखक था उसका नाम था बदायूं। क्या नाम था? बदायूं था। और इस बदायूं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम था मुक्तफा उल तवारीख। मुक्तफा उल तवारीख, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि बदायूं के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, या मुक्तफा उल तवारीख नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो बदायूं था। और इस बदायूं ने अपनी इस पुस्तक में इस हल्दीघाटी युद्ध का सजीव वर्णन किया था। इस बदायूं ने हल्दीघाटी युद्ध को, यानी बदायूं के द्वारा हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंडा का युद्ध कहा गया था। कौन सा युद्ध कहा गया? गोगुंडा का युद्ध कहा गया था। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंडा का युद्ध किसने कहा था, तो बदायूं ने कहा। उसके बाद हल्दीघाटी युद्ध को अबुल फजल ने, अबुल फजल अकबर का ही दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था? अकबर का। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था। कौन सा युद्ध कहा था? खमनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा? खमनोर का युद्ध। अब ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हल्दीघाटी को खमनोर का युद्ध किसने कहा, तो उसका उत्तर होगा अबुल फजल। हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंडा का युद्ध किसने कहा, उसका उत्तर होगा बदायूं। क्या होगा? बदायूं। अबुल फजल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था आयनी ए अकबरी या अकबर नामा। इसने, अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबर नामा एक पुस्तक लिखी थी। इसका दूसरा नाम था आयनी ए अकबरी। आयनी ए अकबरी ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। तो देखो, हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा हाल, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, सजीव वर्णन, किसने किया था? बदायूं ने। क्योंकि अकबर की सेना के साथ कौन गया था? बदायूं भी हल्दीघाटी युद्ध में गया था। और इस बदायूं के बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, सफेद रंग की दाढ़ी थी। इसने अपनी इस पुस्तक में ये उल्लेख किया कि हल्दीघाटी युद्ध में इतना रक्त बहा था सैनिकों का कि पास में जो बहने वाली नदी है बनास, उसका पूरा पानी लाल हो गया था। और इस बदायूं ने अपनी बड़ी बड़ी सफेद जो दाढ़ी थी उसको लाल रंग में रंग लिया था, ऐसा बदायूं के द्वारा बताया गया था। तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि बनास नदी का पानी लाल होना, तो कितने सैनिक वहां मारे गए होंगे, कितना भीषण ये युद्ध हुआ होगा। तो हल्दीघाटी का सजीव वर्णन किसने किया था? बदायूं ने किया था। बदायूं ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मुक्तफा उल तवारीख। और इस पुस्तक के अंदर बदायूं ने हल्दीघाटी युद्ध को कौन सा युद्ध कहा? गोगुंडा का युद्ध कहा था। हल्दीघाटी युद्ध को वर्णन अबुल फजल ने भी किया था, लेकिन ध्यान रखना अबुल फजल हल्दीघाटी युद्ध में नहीं गया था, इसने बाद में वर्णन किया था, क्योंकि अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था। और इसे अबुल फजल के द्वारा हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा गया था। अबुल फजल के द्वारा अकबर नामा या आयनी ए अकबरी नामक एक क्या लिखी गई थी? पुस्तक लिखी गई थी। और इसी हल्दीघाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। मेवाड़ की क्या कहा था? थर्मोपोली। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना कि मेवाड़ की थर्मोपोली किस युद्ध को कहा जाता है? हल्दीघाटी युद्ध को कहा जाता है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। हल्दीघाटी युद्ध को गौरी शंकर हीरानंद ओझा, जो राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार था, ये इतिहासकार था, ये गौरी शंकर हीरानंद ओझा, इस गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने हल्दीघाटी युद्ध को, ओझा ने हल्दीघाटी युद्ध को गांव का युद्ध कहा था। किसका युद्ध कहा था?
गांवों का युद्ध कहा था, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। आपको हल्दी घाटी के बारे में चार कथन मैंने बताए, चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, चारों ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। हल्दी घाटी युद्ध को ध्यान रखना, बदायूं के द्वारा गोगुंदा का युद्ध कहा गया था। हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल जो अकबर का दरबारी कवि था उसने खमनोर का युद्ध कहा था। हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। और हल्दी घाटी युद्ध को गौरी शंकर हीरानंद ओझा जो सिरोही का एक इतिहासकार है राजस्थान का, उसने हल्दी घाटी युद्ध को गांवों का क्या कहा था, युद्ध कहा था। आज मैंने प्रताप के विषय में जो भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया, 18 जून 1576 को लड़ा गया। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया, मानसिंह ने किया। हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह किस पर बैठ कर आया था, हाथी पर। उस हाथी का नाम क्या था, मर्दाना। महाराणा प्रताप किस पर बैठ कर आया था, घोड़े पर। घोड़े का नाम क्या था, चेतक। महाराणा प्रताप के पास चार हाथी थे जिनमें मुख्य हाथी था उसका नाम क्या था, राम प्रसाद। और महाराणा प्रताप के भाले का वजन कितना था, तो 80 किलो वजन था। उसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप है जो कुंभलगढ़ में शरण लिया था, यह भी पूछा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कहां शरण ली, तो कुंभलगढ़ में शरण ली थी। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के दो सेनापति थे, एक का नाम हाकिम का सूरी था जो लड़ता हुआ मारा गया, वो एकमात्र किसी हिंदू राजा का मुस्लिम सेनापति था। और उसका फिर मकबरा बनाया गया जो खमनोर राज संबंध में है। उसके बाद में उसका दूसरा सेनापति झाला बीदा था, उसी झाला बीदा ने महाराणा प्रताप के प्राणों की क्या की थी, रक्षा की थी। और ये जो चार कथन मैंने बताए ये प्रताप के सबसे महत्वपूर्ण है। मेवाड़ के इतिहास में ये जरूर पूछा जाता है कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, खमनोर का युद्ध किसने कहा, मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा और गांवों का युद्ध किसने कहा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में ध्यान रखना महाराणा प्रताप की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी कमजोर हो गई थी। क्या हो गई थी, काफी कमजोर। तो अपन यहां लिखेंगे हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, कमजोर हो गई। आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी, कमजोर हो गई थी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी, कमजोर हो गई थी। तो प्रताप को आर्थिक सहयोग, प्रताप को आर्थिक सहयोग किसने दिया था, भामा शाह ने दिया। भामा शाह ये एक सेठ का नाम है, भामा शाह। और ये भामा शाह कहां का रहने वाला था, पाली का रहने वाला था। इसी भामा शाह को प्रताप अपना क्या बनाया था, प्रधान मंत्री बना लिया था। और इसी भामा शाह को ध्यान रखना कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल टोड ने मेवाड़ का करण कहा था। मेवाड़ का क्या कहा था, करण कहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रताप के संबंध में कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी, कमजोर हो गई, धन नहीं बचा उसके पास। तो प्रताप को धन किसने दिया था, भामाशाह ने दिया था। और भामाशाह कहां का रहने वाला था, पाली का। फिर भामाशाह से धन लेकर महाराणा प्रताप ने सेना का पुनः गठन किया और फिर इसने दिवेर का युद्ध लड़ा था। भामाशाह को प्रताप अपना क्या बनाया था, प्रधानमंत्री बना लिया था। भामाशाह के बारे में जब कर्नल टोड ने सुना, बाद में पढ़ा, तो कर्नल टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का क्या कहा था, करण कहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण सारी चीजें हैं जो आज हल्दी घाटी के संबंध में और प्रताप के संबंध में आपको बताया गया है। अब दिवेर आगे की जो घटना है, दिवेर का युद्ध आएगा, चावंड को अपनी राजधानी बनाएगा और क्या क्या होने वाला है ये
अपन अब नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे। इस चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। थैंक यू।